दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों अयोध्या का पार्ट टू मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अयोध्या विजिट का। श्री राम जन्म देखिए कितना खूबसूरत नजर है, जो एंट्री गेट पे है, आपको जो राम द्वार ये गेट मिलता है, ये गेट से जो सूर्य स्तंभ बना है काफ़ी मनमोहक। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 22 तारीख को जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसके दो दिन बाद ही हम गए थे। 25 तारीख को 25 जनवरी को हम गए थे अयोध्या राम मंदिर में। और जो दोस्तों जो उस टाइम का डेकोरेशन और ये है काफ़ी अद्भुत, क्योंकि हमें तुरंत मिल गया ना, जो सजावट थी जो डेकोरेशन था वहाँ पे हमें तुरंत मिल गया, क्योंकि हम 3 दिन बाद ही गए थे। और जो नज़ारा था वाकई दोस्तों अद्भुत, मतलब उसकी अब क्या बोलते उसको थॉट भी नहीं कर सकते, जिस तरह का एटमोसफियर देखा हमने काफ़ी अद्भुत था, बहुत सही था। तो हमारा दर्शन हो गया है, उसी को मैं बयान करता हूँ राम मंदिर के बारे में। देखिए जो ये मैंने वाटर से व्यू लिया था, ये मेरी फैमिली है और साथ में ही निकले हैं, आप देख सकते हो वैसे। और जो अयोध्या का बना है दोस्तों काफ़ी खूबसूरत, दोनों तक एकदम क्लीन है, दोनों साइड से दुकानें एकदम लाइन से बनी हुई है, ना ही यहाँ पे कुछ गाड़ी अलाउ किया हुआ है सिर्फ पब्लिक को चलने के लिए। और गाड़ी भी जो भी है आते हैं VIPs आते हैं, बाकी कोई गाड़ी अलाउ नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर द VIPs। देखिए ये अभी नया बन रहा है, अभी तो यहाँ पे तो देखिए जो बहुत से घर जो रहते थे तोड़ के बनाए हुए, देखिए ये देखिए लगता है दोस्तों कोई पंडित का देहांत हो गया और बॉडी को लेकर जल रहे सरयू घाट पे कहीं ये करते रहेंगे उनका अंतिम संस्कार, तो लेके जा रहे लोग दोस्तों। देखिए काफ़ी बाबा जी बोलते कि अगर आप यात्रा में जा रहे आपको बॉडी ऐसा दिखे तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। देखिए और देखिए जैसे कि प्राइवेट गाड़ी ये VIP गाड़ी रहेगी या इनको अलाउ किया रहेगा, पुलिस की या किसी नेता की गाड़ी रहेगी जिसके उसमें अलाउ किया है। दोस्तों पब्लिक तो मतलब बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक मतलब साफ देख सकते हो काफ़ी उत्साह है, पब्लिक काफ़ी इंजॉय कर रही है, तो बहुत सी मतलब सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है। और आने वाले समय तो ये अगर इसको गवर्नमेंट ने अच्छे से बनाया दोस्तों बहुत अच्छा बन रहा है, अद्भुत मतलब आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी जगह है, इतना ये घर जगह जगह पे राम कटआउट है। सबसे अच्छी बात दोस्तों कि यहाँ पे मैंने देखा ना कि मतलब बहुत जगह पे भंडारा लगा मतलब आप कि यहाँ पे जो आएगा अयोध्या में वो भूखा तो नहीं रहेगा दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं भोजन पानी मिल ही जाएगा, हर जगह भंडारा लगेगा, हर जगह कितनी दर्शन कर रहे जा रहे हैं। और काफ़ी कुछ निर्माण कांड भी चल रहे थे जिसके ये आगे चल के काफ़ी समय पर तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स भी आ जाएंगे इधर, और ये एरिया मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। हम भी चल रहे धीरे धीरे, पहला कैसे है कि आपको जब आप सूर्य स्तंभ से आते हैं, सूर्य स्तंभ से पहला हमने सुबह जाके सरयू नदी में स्नान किया, सरयू नदी में स्नान करके आए, कपड़े चेंज किए, कपड़े रख के फिर नए घर से आके आपको हनुमानगढ़ी जाना है। सबसे पहले अयोध्या अगर आते हो तो हनुमानगढ़ी में ही दर्शन करना है, हनुमानगढ़ी के बाद ही देखिए जैसे देखिए इधर देख सकते हो चाय, इतने लोग तो चाय ऐसा फ्री में दे रहे हैं, सेवा मतलब भक्तिभाव से जो सेवा होती है वो सेवा कर रहे हैं। देखिए ये लोग जय राम जय राम जय श्री राम के होश लगाते हुए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मंदिर निर्माणाधीन बिल्डिंग है, मूर्ति जल्दी अच्छा बन जाएगा, कुछ होटल वोटल ये रुद्राक्ष बेच रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष मूर्ति पवित्र दोस्तों, ठीक है।
और पुलिस पुलिस भी काफ़ी अच्छी तैनात है, मतलब पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए राम जन्मभूमि का टैग लगा हुआ दोस्तों, देखिए ये आगे आप देख रहे हो, देखिए पुलिस की फोर्सेस देखिए दोस्तों, कितनी सारी फोर्सेस। देखिए यहाँ से ये राम जन्मभूमि जाना है आगे बना हुआ है। देखिए दोस्तों पुलिस की चाक चौबंद इतने हैं कि पूछिए मत, दो तीन कंपनी की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, सुरक्षा बल है, ठीक है, देखिए मिलिट्री है, देख रहा कितनी फोर्सेस लगी है दोस्तों। सोच सकते हो जगह कितनी संवेदनशील है, कैसे है कि आप तो जानते हो अयोध्या राम जन्मभूमि पुराना ये रहा हुआ है, विवाद स्थल है, और काफ़ी समय के बाद अयोध्या मंदिर बना है दोस्तों। देखिए इसके लिए सुरक्षा चार चौबन दे, देख रहा हो, देखिए चार चौबन सुरक्षा है, देखिए जहाँ पे भी आप देखो पूरी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री आपको मिलेगी। देखिए चारों तरफ गेट से आप, ये कैसे मैंने रिकॉर्ड किया है दोस्तों, एक्चुअली बहुत से लोग बोलते हैं रिकॉर्ड करो, तभी मैं बोला ठीक है आया तो कुछ एक्चुअली। देखिए ब्लॉग तो ठीक है, चलो ब्लॉग इसलिए बनाया कि ताकि मेमोरी रह जाए, समझ लो मेमोरी रह जाए, ताकि मेमोरी रह जाए किस तरह, ताकि जो भी मेरे चैनल पर आया देखे उनको भी कर नज़ारा मिले थोड़ा सा कि कैसे राम मंदिर था। ये थोड़ा सा मैंने पीछे का क्लिप डाल दिया जो हम चल के आ रहे थे, देखिए रास्ते में जैसे ये रास्ता है चलने का, अब दोनों तरफ से मतलब जो है बहुत अच्छा है, और अपना मैं यही आशा करता हूँ श्री राम जी सबको उधर खुश होगा, खर्चा अपना हो जाए दोस्त। देखिए ये पहला घूमर है फैमिली के साथ ले रहे सेल्फी, देखिए जय श्री राम बोल के हम अंदर प्रस्थान करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से जो बना है वो भी काफ़ी अच्छा बना है, और आगे दोस्तों तो जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि आगे बहुत अच्छा होगा, ये दुकान पे मेरी वाइफ दे रही थी मंदिर का जो ढांचा है उस तरह से है। ये देखिए जैसे ये फोटो हमने वहाँ लिया था जैसे मेरे घाट के बाहर निकलते हो, यहाँ से लेफ्ट में हनुमान गढ़ी के जाने का रास्ता, ये हम सुबह सुबह नहा के उधर जा रहे थे तब तब का है दोस्तों। चलिए हम आ गए हैं अंदर, और राम मंदिर के काफ़ी करीब हैं हम, तो चलते हैं दोस्तों आप सबको हम दर्शन कराते हैं। देखिए पुलिस वाले कैसे देख रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं किया दोस्तों ने, तो अंदर लेके आते, देखिए ये भी वहीं पर बीच में जो बना है, काफ़ी जगह कहीं पे मीणा वाद रखा है, कहीं पे हनुमान जी का कटआउट रखा है, कहीं पे राम जी का कटआउट है, तो लोग वहाँ पे जाके सेल्फी लेते हैं फोटो। ये मेरे कि मैंने फैमिली के साथ लिया है, एक यादगार मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी दोस्तों। राम जी के आशीर्वाद से हमें कृपा होगी, और हम पहुँचे उधर बहुत ही संजोग से पूछे दोस्तों। ये देखिए ये रास्ते में दोस्तों आपको इस तरह का मिलेगा। आज सुबह सुबह दोस्तों बहुत ठंडी बहुत ठंडी, देख लो 7 बजे इतना बंद था। ये देखिए अब पुलिस भी सबको देखिए, सब डबल ट्रिपल पहने पहने हुए कपड़े, ये कुछ 8-10 बजे रहा है, सूर्य देवता तो प्रकट ही नहीं होते। देखिए दोस्तों हनुमानगढ़ी ये साइड है, आप बोर्ड देख सकते राम जन्मभूमि ये साइड, सीधा इस तरह चलते जाना है आगे श्री राम जन्मभूमि जहाँ पे स्थापना हुई है। आप मेरे राइट साइड में देख लो दोस्तों, वहाँ पे ही वो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, वहाँ से ही इसको तोड़ा गया था, अभी आगे बाउंड्री मार दी गई है, जो आप राइट साइड में देख रहे हो वो बाउंड्री मार दी गई है, ताकि मस्जिद का पार्ट अलग रहे और राम मंदिर की जो ये है जगह है राम मंदिर के इसमें रहे, ताकि कुछ भी हो। देखिए लोग, देखिए दोस्तों कितने लोग जाते हुए देख रहे हो आप, जगह जगह पे देखिए, जगह जगह पे है,
जगह जगह पर पुलिस है, जगह जगह पर आप देख सकते हो पुलिस की चाक चौबंद बंदोबस्त देखिए दोस्तों। देखो ताकि किसी यात्री को कुछ तकलीफ ना हो, कुछ अप्रिय घटना ना हो, और घटना को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल काफ़ी तैनात किए गए हैं राम मंदिर की तरफ, राम मंदिर के परिसर में दोस्तों। लोगों में काफ़ी उत्साह था, इतना साल से राम मंदिर अटका था, ये क्लियर होने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह है, मेरी फैमिली तो काफ़ी उत्साह है राम मंदिर। अरे संजोग बाग से हो गया दोस्तों, एक हफ्ते में जैसे मैंने बोला कि मैं साले की शादी अटेंड करने गया था, उसमें ये ऐसा था कि हमारे डिसाइड हो गए बच्चों को जो राम मंदिर आए वो चलते हैं, कब गाँव आना होगा कुछ पता नहीं, बोले चलो चलते हैं। फिर बुक किया गाड़ी 5:30 में, प्राइवेट गाड़ी, और हम निकल चले। ये देखिए दोस्तों ये राम मंदिर का पूरा कालीन, देखिए आप देख लो पूरा रास्ते में कालीन बिछाया हुआ है भक्तों का स्वागत, भक्तों के स्वागत के लिए, और बहुत ही अच्छा है मतलब जो इन्वायरमेंट एटमोसफियर लगा था काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जाके राम जन्मभूमि देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो तब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह तैनात, हर जगह यहाँ से लेफ्ट साइड, ये देखिए जो राइट साइड में है ना दोस्तों, यही साइड में मंदिर का विभाजन था, मस्जिद का विभाजन आता था, मैंने कवर नहीं किया ताकि हमें रोक सकते थे इसके। देखिए यहाँ से एंट्री करना है, और एंट्री गेट भी इन्होंने बहुत ही अद्भुत बनाया ताकि कितनी भी भीड़ हो कंट्रोल हो जाती है आराम से, कुछ भक्ता नहीं होगा और ये आराम से निकल जाएगा। किस तरह एंट्री बनाया हुआ, 4-5 गेट बनाए हुए दोस्तों, आप कहीं से भी निकल सकते हो, कहीं करती ये ना आराम से निकल जाए। देखिए आप कितने सारे बॉक्सेस है चेकिंग के लिए, लोग अपना चेकिंग करा के निकल रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाला मुझे बोल रहा है कैमरा अलाउ नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद करो। लेकिन अब दोस्त थोड़ा सा जब आए तो कर ले यार, ये मेमोरी को कैप्चर कर ले, पल यादों को तो समेटना है दोस्तों, इसी यादों को सारे पुराने जब समय बीत जाएगा तब याद करेंगे कि हाँ हम भी अयोध्या गए थे, अयोध्या मंदिर में जाके दर्शन हमें श्री राम लाला के दर्शन कर लिए। ये पूरा ये जगह परिसर है, इसको भी अच्छा काफ़ी डेवलप करना है, जैसे कि आप देख रहे हो आगे गुम्बद है बन रहा है, बहुत सारी जगह मतलब अभी मतलब काम जैसे बोलते हैं ना काम हुआ नहीं, काम बन रहा है अभी भी बन रहा है, उसको और भी आने वाले समय पर दोस्तों ये अद्भुत हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा पर्यटन के स्थल से, मुझे लगता है कि नंबर 1 हो जाएगा ये जगह, लोग काफ़ी आएंगे, काफ़ी अंदर आएंगे, लोग इन्जॉय करेंगे। ये देखिए ये जो यहाँ भीड़ है ना, यहाँ पर लॉकर है दोस्तों, आप यहाँ पे आपके मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब जमा करना है, कुछ भी अलाउ नहीं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी अलाउ नहीं है, समझ रहे हो आप, अगर जमा नहीं करते हो तो लाइन से आपको पुलिस भगा देगी, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, उसके लिए जो भी है आप यहाँ पे देखिए लॉकर बने हैं, तो लॉकर में आगे जाके आप जमा कर सकते हैं, उधर है चप्पल स्टैंड डाल सकते हैं, लॉकर में आप डाल दें, बहुत से लोग चप्पल दे रहे थे रास्ते में, हमने भी चप्पल बाहर के साइड में रखा था। देखिए ये आपको जाना है, आपको जमा करना है इसके अंदर अपने मोबाइल से जो भी डिवाइसेस आपके पास है, मोबाइल हो गए, ब्लूटूथ हो गए, वॉचेस हो गए, स्मार्ट वॉच सब जमा करना है दोस्तों, कुछ भी अलाउ नहीं है दोस्तों, कुछ भी अलाउ नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी लेके चला जाऊँ, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और दो जगह चेकिंग होती है दोस्तों, ठीक है, और जो भी है आप सब इधर रख के जाइए। और देखिए मैंने देखा दोस्तों अंदर जब हम दर्शन करने गए तब हमने देखा बहुत से लोग किस तरह मोबाइल फ़ोन अंदर लेके आए कुछ समझा नहीं है, किस तरह चोरी छुपे अंदर मोबाइल लेके पहुँच गए। ये देखिए ये भी किसी भक्त ने रिकॉर्ड किया था दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों यही राम मंदिर का बहुत ही सुंदर राम मंदिर है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, जय श्री राम, धन्यवाद।